परसों पहले जब लखनऊ आया था, चौक के इलाके में भटक रहा था, तब मैंने कई लोगों को चांदी का वर्क बनाते हुए देखा था। चांदी का वर्क जो आपने मिठाइयों के ऊपर किसी ज़माने में खाया होगा, आपके ज़माने में तो बड़ा कम रह गया है, चाइनीज़ ज़्यादा हो गया है। तो ये बुज़ुर्ग हमें यहाँ मिले जो चांदी के वर्क का काम कर रहे थे, तो हमने इनसे दरख्वास्त की कि आप हमें प्रोसेस बताएं। सौरभ जी, आप मुझे मोबाइल पकड़ा दीजिए। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब, तो ये वर्क बनाने का काम आप कब से कर रहे हैं? करीब 35-36 साल हो गए। 35-36 साल से इसी दुकान में? हाँ भाई, इसी चौक। और भी कारीगर हैं, क्योंकि ये निशान बने हुए तो हमें लगा यहाँ 6 लोग बैठते होंगे, 6-7। पहले बैठते जब 2-3 लोग हैं खाली, आज जुमेरात की वजह से छुट्टी हुई। अच्छा, तो आप दिखाएंगे कैसे बनता है, मतलब क्या चांदी की शीट होती है, फिर आप पीटते हैं, क्या करते हैं? ये देखिए, ये चांदी होती है, इसके टुकड़े काटते हैं। ये चांदी है जी? हाँ, इसके टुकड़े काटते हैं, इसे लगा देते हैं इतने बड़ा टुकड़ा, और फिर इसको पीटते हैं। हाँ, अभी इसको पीट के तैयार कर देते हैं। कितनी बड़ी हो जाती है पीट के? ये पीट के इतनी बड़ी हो जाती है कि जितना बड़ी एक से, ये देख सकता हूँ। हाँ हाँ, देखिए। अच्छा, ये ऑलरेडी इतनी पतली बन के आती है? जी हाँ, प्योर चांदी है ये। प्योर चांदी है? हाँ, इसमें मिलावट नहीं है। हाँ, ये इससे इतनी बड़ी बन के ये पीटते पीटते ये पूरे में फैल जाएगी। ये अभी इतनी है, ये और बढ़ेगी, ये पूरे में फैल जाएगी। ये क्या चीज़ है? ये हिरन, ये बकरे की झिल्ली है। बकरे की आंत की झिल्ली? नहीं, बकरे के ऊपर की जो खाल होती है उसके ऊपर की झिल्ली है ये। अच्छा, और ये ऊपर का चमड़ा है? ये चमड़ा, ये खाल है? ये खाल है। हाँ, इसके अंदर जो झिल्ली निकलती है ये जो ऊपर लगी है ये। एक बार में कितनी बनती है, मतलब जैसे आपके पीट है? ये 150 है। अच्छा, और फिर ये क्या हिसाब बिकती है? ये 4 रुपए का एक पीस बिकता है। 4 रुपए का एक पीस जी। और लागत कितनी आती है मेहनत के अलावा? लागत ये मतलब तो ये कितने हैं? ये हम लागत तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, क्योंकि चांदी के वजन के हिसाब से होता है। मेहनत 150-150 रुपए गड्डी मिलती है। 2-3 गड्डी आदमी बना लेता है एक दिन में। 3 गड्डी? 2-3 गड्डी जैसा आदमी हो। अच्छा, तो हथौड़ा भी कुछ खास किस्म का होता है या मारने का स्टाइल, मतलब कैसे सिखाते तो होंगे ना? ये मारने का स्टाइल का वो अपने जब बगैर सीखे कुछ कहाँ आता है वो। हाँ, बगैर सीखे कहाँ आता है वो। तो आपके पास भी शागिर्द आते हैं सीखने के लिए? अब नहीं आते हैं, पहले आते थे। ये काम बहुत कम हो गया। क्या वजह क्या रही काम कम होने की? वजह क्या रही, शो में रहा नहीं है कोई, इसकी दिलचस्पी रही नहीं, बस खाली मिठाइयों में इस्तेमाल होता वो। पहले किस में होता था? पहले सबसे पहले इस्तेमाल होता था माजूनों में। अच्छा, हाँ, उसके बाद में इसको लिया तम्बाकू वालों ने, कमाम वालों ने। हाँ, उसके बाद अब मिठाई वालों ने इसको लिया। हाँ, और लोग यूँ घर पे आंवले के मुरब्बे में खाते हैं ये वाला। तो जैसे हमें खरीदना हो तो कहाँ से खरीद सकते हैं? अब हमारी दुकान बाहर है, वहाँ से खरीद। बाहर दुकान में वर्क मिलता है? हाँ। अच्छा, टुंडे कॉफी के बगल में। अच्छा, एक बार बस वही पीट के आप अपना काम भी कर दीजिए तो हम वहीं पे खत्म करेंगे। चाइनीज वाले एंगल पे पूछ लीजिए। नहीं, चाइनीज कुछ नहीं, सब गलत है, सब झूठ। चाइना से कोई बनके नहीं आई? नहीं। कितने घंटे पीटना पड़ता है? 2-2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितनी आदमी की ताकत हो। ताकत ज्यादा है तो उसको कम टाइम में काम हो जाता है। अब हमारे हिसाब में 3-3.5 घंटे में पूछते हैं। अच्छा, बुढ़े आदमी क्या करेंगे? तो ये सब सामान भी यही मिलता होगा, वो जो चमड़े की झिल्ली और वो सब चीजें? सब दुकानदार खुद देता है। तो वो कितने वक्त तक चल जाती है वो झिल्ली सब जो है? करीब 350-350 गड्डियाँ बनने पर खराब हो जाती है। 350 गड्डियाँ बनने पर? 350 गड्डी पर ये आती करीब 5-5.5 हज़ार रुपये। अच्छा, पहले कारखाने ज्यादा थे इस इलाके में भी, चौक में भी, राजा बाजार में भी थे। राजा बाजार वाला बंद हो गया, अब भी पता चला वहाँ गए थे। तो अब ये पहले यहाँ कितना आपने देखा होगा, आज से 30 साल पहले कितनी दुकानें थी पहले यहाँ पे? 12-13 दुकानें थी पहले। लगातार ये आवाज़ आती रहती थी और एक खास आहंग के साथ, एक खास म्यूजिक। बल्कि मैं ये आवाज़ सुन के ही, हम पहले भाई बाहर जो भाई साहब बैठे ना उनके पास खड़े थे, आप इसको पीट रहे थे, मैं आवाज़ सुनाई थी तो हम आवाज़ के सहारे यहाँ तक आ गए। हमने हमीर तो भेजा ही था। अच्छा, अच्छा, आप भी तो यही कर रहे थे बाहर? तो पहले 12-13 दुकानें थी, अब एक रह गई। अरे, वो हरमैन की मस्जिद के पास हुसैनाबाद में भी, वहाँ हुसैनाबाद में भी काम होता है काम बहुत जगह। ये काम अपने लखनऊ के अलावा और भी जगहों पे होता है? सभी शहरों में होता है। सब शहरों में होता है, ऐसा नहीं कि कुछ ये लखनऊ में ही खास? नहीं, ये मुरादाबाद है, बनारस है, जौनपुर है,
बहुत जगह होता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ खान पान का ज्यादा है तो खपत ज्यादा होगी यहाँ। अब यहाँ जितना बनता है इतना खपता है, कोई भी काम मुझे भी खपत। जब आपने 35 बरस पहले शुरू किया था तब कितने रुपए का बिकता था? चार आने से चार रुपए तक का आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।